तो देखो भाई लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं गोलमाल अगेन इस मूवी का। अब देखो, ये मूवी तो कुछ साल पहले आई थी, लेकिन कल रात को मैंने इस मूवी को वापस देखा, तो मेरे जो भी थॉट्स हैं इस मूवी को लेकर वही मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और भाई, इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मेरे हिसाब से सबने इस मूवी को देख लिया होगा, तो इसीलिए हम लोग इस मूवी के बारे में थोड़ा डीप में बात कर सकते हैं। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो भाई जैसे मैं मूवी रिव्यू करता हूँ वैसे ही करूँगा, मतलब पहले मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके वीक पॉइंट्स के बारे में। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर वन, एक्टिंग परफॉर्मेंस। अब देखो, एक चीज तो हम सबको माननी ही पड़ेगी कि गोलमाल की सीरीज में एक्टर्स काफी अच्छे अच्छे होते हैं, मतलब गोलमाल की सीरीज में काफी अच्छे अच्छे एक्टर्स को कास्ट किया जाता है। और भाई, इस मूवी में भी एक से एक कमाल के एक्टर्स हैं, और भाई पूरी कास्ट का ही काम कमाल का है। मतलब भाई, इस मूवी में जो साइड कैरेक्टर्स हैं जिनका रोल काफी कम है मूवी में, उनके सीन्स भी काफी अच्छे हैं, तो समझ ही सकते हो कि उन लोगों ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी है। बस इनका काम मुझे कुछ उतना खास नहीं लगा। अब वैसे भी इनके पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं, बट जो भी था वो भी नॉट गुड। अब और भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करूं तो भाई वो है इस मूवी की कॉमेडी। अब हाँ, मुझे पता है कि गोलमाल के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस मूवी की कॉमेडी उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट भाई फिर भी इस मूवी में जॉनी लीवर, अरशद वारसी, अजय देवगन जैसे कमाल के एक्टर्स हैं जो कि काफी अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं। और भाई, इन एक्टर्स ने अपने आप को पहले भी प्रूफ करके रखा है कि वो अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, अच्छी कॉमेडी क्रिएट कर सकते हैं। और भाई, जैसा कि मैंने बोला कि इस मूवी की पूरी कास्ट ही अच्छे अच्छे एक्टर्स से भरी हुई है, तो भाई वही बात है कि इन कैरेक्टर्स के बीच में जो कन्फ्यूजन होता है, जो लड़ाइयां होती हैं, उसकी वजह से जो कॉमेडी क्रिएट होता है ना, वो काफी अच्छा होता है। और भाई, ये वसूली क्या मस्त कैरेक्टर है, मतलब अगर इसका अच्छे से यूज करते हैं, छोड़ो उसको वीक पॉइंट में ही डिस्कस करेंगे, तो हाँ भाई, मूवी में अच्छे एक्टर्स होने की वजह से मूवी की कॉमेडी अच्छी हो जाती है। अब और भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करूं तो भाई वो होगा इस मूवी के सॉन्ग। अब देखो भाई, गोलमाल की चारों मूवीज में से मुझे इस मूवी के सॉन्ग सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि भाई इस मूवी में काफी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग में जो वो गोलमाल का टाइटल ट्रैक आता है, एंड हम नहीं सुधरेंगे सॉन्ग इसी में है भाई, वो भी काफी अच्छा सॉन्ग है। और वो नींद चुराई चैन चुराया जो भी सॉन्ग था, उसका नाम मुझे नहीं पता है, ये वाला सॉन्ग रीमेक है पर फिर भी अच्छा है। बस ये वाला सॉन्ग थोड़ा सा बोरिंग है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। बाकी इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफी अच्छे हैं, एंड भाई इस मूवी का जो बीजीएम है वो भी काफी कमाल का है। और भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करूं तो भाई, इस मूवी का बजट, सेट्स, लोकेशन, कलर करेशन, एवरीथिंग इज गुड। और भाई, ये मूवी काफी कलरफुल थी, और मुझे कलरफुल मूवीज काफी पसंद आती है, जैसे कि दिलवाले हो गया, ये गोलमाल अगेन हो गया, मतलब रोहित शेट्टी की मूवीज में कलर्स काफी अच्छे तरीके से दिखाए जाते हैं। एंड भाई, मेरे हिसाब से और कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो है नहीं इस मूवी में, लेकिन कुछ एक्टर्स को मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा जिनका काम काफी अच्छा था इस मूवी में। सबसे पहले तो ये जो कैरेक्टर था पप्पी भाई का, भाई कितना सही कैरेक्टर है, कितना फनी कैरेक्टर है यार। और जॉनी लीवर ने इस कैरेक्टर को कितनी अच्छी तरीके से प्ले किया है भाई। और भाई, मुझे सबसे ज्यादा हंसी किसी के सीन में आई है तो वो जॉनी लीवर के सीन्स थे, मतलब भाई बहुत ही अच्छे और बहुत ही फनी। एंड भाई, ये जो वसूली भाई का कैरेक्टर है, ये तो भाई आइकॉनिक है यार। मतलब गोलमाल 3 में इसको अच्छे से यूज किया गया था, बट इस वाले पार्ट में इसको अच्छे से यूज किया ही नहीं गया, बट वसूली भाई के जो भी सीन्स थे ना, वो काफी अच्छे थे और काफी फनी थे, मतलब देख के मजे आ जाते हैं। तो भाई, गोलमाल के इस पार्ट में ये दोनों साइड कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट रहे। तो भाई, बहुत हो गया स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अब बात करते हैं सीधा वीक पॉइंट्स के बारे में। तो हाँ भाई, अब हम लोग वीक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई किसी तरीके से मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ के निकाले। अब देखो भाई, सबसे पहली बात, गोलमाल की बाकी की मूवीज के कंपैरिजन में ये वाली मूवी काफी वीक थी। मतलब जैसे हमारा गोलमाल 1 था, वो तो क्लासिक हो चुका है, एंड भाई गोलमाल की सारी मूवीज में गोलमाल 1 सबसे अच्छा था, एंड उसके बाद गोलमाल 2 बहुत ही वीक लगा था मुझे, बट गोलमाल 3 गोलमाल फ्रेंचाइजी के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही फनी मूवी थी। बट इन सबके कंपैरिजन में ये जो गोलमाल 4 है वो काफी पीछे रह जाता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गोलमाल की बाकी मूवीज के कंपैरिजन में ये मूवी एकदम ही खराब है, ये मूवी गोलमाल 2 से तो अच्छी है, बट गोलमाल 1 और गोलमाल 3 के कंपैरिजन में ये मूवी काफी नीचे आती है। और भाई, इस मूवी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट तो ये है कि इस मूवी की कहानी में ही दम नहीं था। और मूवी देखने के बाद एक बार अगर सोचने बैठोगे कि इस मूवी की कहानी क्या थी, तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई इस मूवी की कहानी कितनी सिंपल थी, मतलब कितनी ज्यादा सिंपल सी स्टोरी थी, और उसी के ऊपर इन्होंने पूरी मूवी बना दी। पर चलो, कहानी अच्छी नहीं थी कोई बात नहीं, वैसे भी कॉमेडी मूवीज की कहानी नॉर्मल ही होती है, बट भाई इस मूवी के जो डायलॉग्स थे वो भी काफी पुअर थे, एंड पहली बार ज्यादा कॉमेडी सीन्स तो थे ही नहीं। और भाई, अजय देवगन यार, इनका तो उन लोगों ने अच्छे से यूज भी नहीं किया। I mean, एक बार जाके गोलमाल 1 देखना, अब तुम्हें पता चलेगा कि अजय देवगन ने गोलमाल 1 में कितने अच्छे कितने फनी सीन्स दिए हैं। मतलब भाई, अजय देवगन का कैरेक्टर कितना ज्यादा सिंपल, जैसे लगता है कि उनके लिए ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं गया था, ना उनके सीन्स फनी थे ना उनके डायलॉग, बस एक नॉर्मल सा एंग्री कैरेक्टर बना के रख दिया उनको, जो सिर्फ बात बात पे लड़ाई करता है, लोगों की उंगलियां तोड़ता है। भाई, इनको कोई बताओ कि उंगलियां तोड़ने से कॉमेडी क्रिएट नहीं होती। I mean, भाई अजय देवगन से मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई ही रहती है, क्योंकि भाई गोलमाल 1 में उन्होंने सबको बहुत हंसाया है, बट गोलमाल अगेन में उनके कैरेक्टर के लिए ज्यादा कुछ फनी सीन्स लिखे ही नहीं गए थे। एंड यही सेम चीज होता है अरशद वारसी के साथ। I mean, कितना कमाल कैरेक्टर है यार वो बंदा, क्या कुछ नहीं कर सकता वो, लेकिन भाई जब स्क्रिप्ट राइटर अच्छे सीन्स लिखेगा ही नहीं, तो एक्टर उसको परफॉर्म कहां से करेगा। एंड भाई, इस मूवी की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि ये मूवी अपने एक्टर्स को अच्छे से यूज ही नहीं कर पाती है। जस्ट एक बार सोचो कि इनके पास कितने कमाल कमाल के एक्टर्स थे, वो सब के सब
टोटली वेस्ट हो गए। एंड सबसे बड़ी बात, ये वसूली का कैरेक्टर कितना आइकॉनिक है, बट इसको तो इन लोगों ने ज्यादा सीन्स दिए ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ गोलमाल 3 में इस कैरेक्टर को अच्छे सीन मिले थे तो इसने धमाल मचा दिया था। एंड भाई परिणीति चोपड़ा यार, वो मूवी में क्या कर रही है किसी को भी नहीं पता। मतलब वो ब्यूटीफुल है ठीक है, इस बात को साइड में रखते हैं, आज के टाइम पे बॉलीवुड में हर एक एक्ट्रेस ब्यूटीफुल है, बट उनकी एक्टिंग में भाई थोड़ा सा भी दम नहीं है। एंड भाई इस मूवी के मैक्सिमम फनी सीन्स तो फनी कम और क्रिंजी ज्यादा लगते हैं। वही बात है भाई, इस मूवी में काफी वीक पॉइंट्स हैं, अगर मैं बताने बैठूंगा तो खत्म ही नहीं होगा। तो अब मैं तुम्हें इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में बताता हूँ। तो भाई इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि इस भूत को जस्टिस चाहिए क्योंकि इन लोगों ने इसको मार डाला था, और जस्टिस के लिए ये जो भूत है वो अजय देवगन के ग्रुप से मदद लेती है, लेकिन इन लोग के पास कोई प्रूफ नहीं रहता, और प्रूफ के लिए ही ये लोग वासु रेड्डी को येड़ा बना के यहाँ पर लाते हैं ताकि वो अपने गुनाह कबूल कर ले और ये लोग सब रिकॉर्ड कर सके। बट भाई अब मैं बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो भाई मूवी में ये जो भूत है उसको ऐसा दिखाया गया है कि वो किसी के अंदर भी घुस के कुछ भी करवा सकती है, मतलब तुम्हारे अंदर घुस के वो तुमसे जो चाहे वो करवा सकती है। और भाई इस चीज का ये भूतनी मूवी में बहुत बार यूज करती है। बट भाई यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यही चीज इस भूतनी ने वासु रेड्डी के साथ क्यों नहीं किया। मतलब अगर वो चाहती तो वो वासु रेड्डी के अंदर घुस जाती और जो भी चाहे वो बुलवा सकती थी, एंड उसको ये लोग आराम से रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन भाई नहीं, ये भूतनी वासु रेड्डी के पीछे पीछे दौड़ेगी, रास्ते में जो आएगा उसके अंदर घुस जाएगी, लेकिन वासु रेड्डी के अंदर नहीं घुसेगी। क्यों? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। मतलब भाई सिंपल सी चीज थी यार, अगर वो वासु रेड्डी के अंदर घुस जाती तो सारा सच निकलवा सकती थी और रिकॉर्ड भी कर सकती थी। लेकिन भाई नहीं, इन लोग को पूरी मूवी भी तो बनानी थी। तो भाई मेरे हिसाब से ये इस मूवी की काफी बड़ी मिस्टेक है। एंड भाई इस मूवी को लेके मेरे पास और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं बता सकता हूँ, बट जाने दो भाई, ज्यादा बुराई नहीं करते हैं। लेकिन वीडियो बंद करने से पहले एक और वीक पॉइंट है वो बता देता हूँ। भाई इस सीन में तब्बू ऐसी एक्टिंग कर रही थी, मतलब बाबा टाइप बनने का, और यहाँ पर वो बहुत नर्वस भी होती है। लेकिन भाई आदमी इतना नर्वस तो नहीं होता कि वो अपना सारा प्लान नहीं बता दे। जब तुम अपने एक एक गुनाह की माफी मांग लो ताकि हम सब रिकॉर्ड कर सकें। मतलब भाई इतना नर्वस कौन होता है कि अपना पूरा प्लान ही बोल डाले। जब मैंने ये सीन देखा देन आई वाज लाइक कुछ भी। तो यार बस ज्यादा कुछ बुराई नहीं करते हैं इस मूवी की। एंड मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूं तो भाई ये एक ठीक ठाक कॉमेडी मूवी है। भाई कोई भी मूवी इतनी भी बुरी नहीं होती कि तुम लोग उसको एक बार देख ना सको। एंड ये मूवी भाई ठीक ठाक तो है, तुम्हें एंटरटेनमेंट मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसीलिए भाई मेरे हिसाब से इस मूवी को तुम लोग एक बार तो देख ही सकते हो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो। अगर देख लिया तो फिर वापस देखने की जरूरत नहीं है, रहने दो। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और कोई वीडियो चाहिए, किसी मूवी का रिव्यू चाहिए तो वो भी कमेंट्स में सजेस्ट कर देना। तो यार बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो प्लीज प्लीज बना दीजिए ना चाय। शर्म, मैं अंधी होके चाय बनाऊंगी, कमीने, जा सबके लिए चाय बना, रसोई घर वहां पे।